Good morning to one and all. I welcome you once again in the class of accounts, standard 11th. Chapter number 9 and the name of the chapter is ledger posting. In our previous videos, we have been studying about how to do ledger posting from journal entries, from simple subsidiary books, from columnar subsidiary books. Even we have studied about columnar cash book. And today I am going to explain you how to do ledger posting from petty cash book. So let us proceed. Let us start with question number 13 on page number 246. From the following information, prepare a petty cash book in the books of Anup stores and post them in the ledger. हमें पेटी कैश बुक बनाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड एडवाइज्ड टू प्रिपेयर योर पेटी कैश बुक एज एंड व्हेन योर पेटी कैश बुक इज रेडी देन ओनली इट विल बिकम पॉसिबल टू पोस्ट दोज एंट्रीज इनटू द लेजर और इनटू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स. नाउ आई हैव कैप्ट इट रेडी. नाउ दिस इज पेटी कैश बुक ऑफ अनुप स्टोर्स. और यहां पर मेरे कितने एक्सपेंसेस हैं, डिफरेंट वेजेस, कार्ट्रेज, पोस्टेज, स्टेशनरी एंड मिसलेनियस. यहां पर टोटल 5 मेरे टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हैं, वेरियस एक्सपेंसेस. अलोंग विद दैट 2 मेरे पर्सनल अकाउंट हैं, दैट इज हिया एंड पूर्वी. हमें इसमें कैसे अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होगा, कैसे हमें हमारे लेजर्स प्रिपेयर करने होंगे. ऑल डिफरेंट वेरियस अकाउंट्स का एक्सपेंस बनेगा, दैट इज वेजेस अकाउंट, कार्ट्रेज अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट एंड मिसलेनियस अकाउंट. ये हमारे 5 टाइप के एक्सपेंसेस हुए. एंड द 6th विल बी अवर हियाज अकाउंट एंड द 7th विल बी अवर पूर्वीज अकाउंट. नाउ हमारा जो बैलेंस आ रहा है एज पर द क्वेश्चन, आई हैव सॉल्व इट एंड द आंसर इज 4500. वो नेक्स्ट 12th डेट के लिए ओपनिंग बन जाएगा 4500. सो फ्रॉम दिस यू कैन वेरीफाई योर आंसर. नाउ द लेजर्स ऑफ अनुप स्टोर्स आर रेडी ओवर हियर. आई हैव प्रिपेयर्ड लेजर ऑफ अनुप स्टोर्स. एज आई टोल्ड यू, जैसे हमने टिक मार्किंग किया है, 5 अकाउंट अपन के बनेंगे यहां पर एक्सपेंसेस वाले, वेजेस, कार्ट्रेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, मिसलेनियस एंड 2 पर्सनल अकाउंट है, दैट इज हिया एंड पूर्वी. ओके, नाउ बीइंग ऑल दीज एक्सपेंसेस, ये हमारे सारे एक्सपेंसेस हैं, इन सबका नेचर क्या होता है, डेबिट होता है. सो हमें जो हमारा पोस्टिंग करना होगा दैट विल बी ऑल ऑन द डेबिट साइड. हमें इनको सबको डेबिट साइड में पोस्ट करना होगा. नाउ वी विल राइट डाउन द डेट, दैट इज 2016 जुलाई. अब आप देखेंगे कैश एंड कैशियर वाला पोस्टिंग यहां पर नहीं होता है. हमें एक्सपेंसेस के कॉलम्स बनाकर हमें लेजर पोस्टिंग करना होगा. द डेट इज 3. वेजेस एंड कार्ट्रेज दोनों ही हैं आपके 3rd ट्रांजेक्शन में, तो वेजेस में लिखेंगे आप 2 कैश अकाउंट एंड वेजेस के कॉलम में से आप पिक करेंगे 250 एंड व्हाट यू आर सपोज टू राइट. नेक्स्ट आपका कार्ट्रेज अकाउंट है, सो ऑन डेट 2016 जुलाई 3, अगेन यू विल राइट इट ओवर हियर 2 कैश अकाउंट एंड कार्ट्रेज में आप देखेंगे कितना है 120. ओके, मूविंग फर्दर ऑन डेट 4 स्टेशनरी है. स्टेशनरी के अकाउंट में आप आ जाएंगे, यहां पर आप लिखेंगे 2016 जुलाई 4 2 कैश अकाउंट एंड द अमाउंट इज 320. ओके, नेक्स्ट इज 5th डेट पोस्टेज 150.
आप पोस्टेज अकाउंट पिक करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे 2016 जुलाई 5 टू कैश अकाउंट 150, और इनमें आपको लिखना होगा एज पर पेटी कैश बुक, ओके, एज पर पेटी कैश बुक, ओके। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट हमारा है अगेन इज कार्ट्रेज एक्सपेंस डेट 7130, कार्ट्रेज डेट 7 बाय सॉरी टू कैश अकाउंट 130, और यहां पर लिखेंगे आप एज पर पेटी कैश बुक, ओके। सेवेंथ डेट के बाद इज 8th बाय दैट इज रिचार्ज, और मिसलेनियस अपन यहां पे यूज कर सकते हैं। मिसलेनियस की कॉलम में आप चेक करेंगे, दिस इज द कॉलम ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंस, इट इज 250। हम अकाउंट देखेंगे मिसलेनियस का, ऑन डेबिट साइड बीइंग अवर एक्सपेंस 2016 जुलाई 8 टू कैश अकाउंट एज पर पेटी कैश बुक, and the amount for it is 250, okay. Now next is stationery 80 on date 10, stationery account date 10 to cash account amount 80, again you will write as per petty cash book. नेक्स्ट स्टेशनरी हो गया, नेक्स्ट इज हियाज अकाउंट। अब यू विल गो टू हियाज अकाउंट, यू विल मेंशन द डेट ओवर हियर 2016 जुलाई, इट इज 11 टू कैश अकाउंट एज पर पेटी कैश बुक, and the amount for here is 800, आप यहां पर दिखाएंगे 800। पूर्वी में भी सेम, 2016 जुलाई 11 टू कैश अकाउंट एज पर पेटी कैश बुक, एंड टोटल कितना है पूर्वी का 1200, इन द कॉलम ऑफ अमाउंट 1200। सो इससे हमें ये पता चलता है कि पेटी कैश बुक वाले जो भी इफेक्ट्स थे दे ऑल केम ऑन द डेबिट साइड, बिकॉज ये हमारा पेटी कैश बुक है जिसमें हमारे कैशियर ने सिर्फ और सिर्फ पेमेंट्स किए होंगे। इसके लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। ये हमारे सारे एक्सपेंसेस हैं, इनका नेचर हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। सब में आपका कैश गया, इसके लिए आपने यहां पर सब में लिखा है टू कैश अकाउंट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय यू पीपल। नाउ स्टूडेंट्स, योर टुडेज टास्क इज इलस्ट्रेशन नंबर 9 प्लस क्वेश्चन नंबर 13 विच आई हैव टॉट यू राइट नाउ। उसमें भी आपको पेटी कैश बुक बनाना है, एक्सपेंसेस को टिक मार्क करके उनके आपको क्या करने हैं, अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं, प्लस आपका अगर कहीं पे भी पर्सनल अकाउंट होगा तो वो भी आपका पर्सनल अकाउंट हिया एंड पूर्वी की तरह उस इलस्ट्रेशन में भी आपको ड्रॉ करना होगा, एंड आपको पेटी कैश बुक में से लेजर पोस्टिंग करना है इन बोथ दीज क्वेश्चंस। आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू फ्रॉम पेटी कैश बुक, हाउ वी आर सपोज टू डू दी लेजर पोस्टिंग। Thank you students for listening. Have a nice day.